भुट्टो भी लीडर था और मुजीब और रहमान भी लीडर था। भुट्टो खुद जिंदा है और आवाम भूखी मर रही है, जबकि मुजीब और रहमान खुद मर गया मगर बंगालियों को जिंदा कौम बना गया। हमारे यहाँ नमाज के बाद मस्जिद को ताला लगा दिया जाता है ताकि मुसलमान चोरी ना कर लें। काफले को लूटने के बाद डाकू आपस में लड़ पड़े और लूटे हुए मुसाफिर इस बहस में उलझ गए कि डाकुओं का कौन सा गिरोह हक पर है। हमारे हुक्मरानों ने इतनी दौलत घरों में इकट्ठी कर ली है कि इज्जत के लिए घर में जगह ही नहीं बची। जब तुम किसी शहर में चोरों को हुक्मरान बनता देखो तो उसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो उस मुल्क का सिस्टम करप्ट है या वहाँ की आवाम बेशऊर है। यहाँ दुश्मन से ज़्यादा मुहाफिज से ख़तरा है, बीमारी से ज़्यादा तबीब से ख़तरा है और मुजरम से ज़्यादा मुनसिफ से ख़तरा है। आपका चौकीदार सरहद से ज़्यादा आपकी ज़ुबान और सोच पे पहरा दे रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर नहीं, आवाम बुजदिल और बेगैरत है, यही एक तलख हकीकत है। बचपन में जब ताकतवर टीम हारना शुरू हो जाती थी तो बल्ला छीन कर भाग जाती थी। वो बच्चे आज बड़े होकर मुल्क चला रहे हैं। इनकलाब वहाँ आते हैं जहाँ मज़लूम मुत्तहिद हों और जहाँ मज़लूम अपने अपने पसंदीदा जालिम के लिए आपस में लड़ें, वहाँ इनकलाब नहीं कहत आते हैं। अब तो मुल्की तरक्की और खुशहाली की दो ही सूरतें हैं, लूटने वालों को तरस आ जाए या लूटने वालों को अकल आ जाए। गैस के लिए सिलेंडर खरीदें, बिजली के लिए जनरेटर और इलाज के लिए इस्लामाबाद जाएं, रोज़गार के लिए अरब मुल्क और वोट सिर्फ पोतगी और वलीमे पर आने वालों को दें। इमरान खान बाहर से पैसा लाकर मुल्क तबाह करना चाहता था। शरीफ बरादरान और जरदारी ने अपनी जानों पे खेल कर पैसा बाहर भेजकर मुल्क को बचा लिया। पटवारियों के ज़मीर की कीमत होंडा 125 से गिरकर 1 किलो घी के पैकेट तक पहुंच गई। जितनी टेंशन जिना के घर की ली है, अगर उतनी टेंशन जिना के मुल्क की भी ले लें तो शायद मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाए।